अब तक आपने देखा? ये जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। शमा से प्यार का नाटक जो मैंने किया है वो सिर्फ तुम्हारे लिए किया है। सिर्फ तुम्हारी और तुम्हारी बहन में है, जमीन आसमान का फर्क है। जितना जल्दी हो सके वापस आ जाइए, कहीं ऐसा ना हो कि आपको पछताना पड़े। मानसी ने इस बार जो मुझे भरोसा दिखाया है, अब प्लीज उसे टूटने मत देना। अगर मुझे ना बताने से तुम्हारे दर्द को आराम मिलता है तो? आज अचानक मेरे पता नहीं पाँव में दर्द होना शुरू हो गया। इतना भी मत करो मानसी की, कल बहुत ही प्यारा बच्चा है। तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? केतकी, क्या मैं इतना पराया हो गया कि तुम्हारे कमरे में भी नहीं आ सकता? देखो देखो कुशान, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। सुननी होगी और उसे मानना भी होगा, क्योंकि जब तक तुम मेरी बात सुनोगी और उसे मानोगी तब तक ही मैं शमा को खुश रखूंगा। और मैं जानता हूं कि तुम चाहती हो कि शमा खुश रहे, है ना? अरे अरे बेटा, अरे बेटा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी माँ और मैं बहुत अच्छे दोस्त रह चुके हैं, है ना? कुशान, मेरे बच्चे को वापस करो। ले लो ले लो, मुझे बच्चे में कोई इंटरेस्ट नहीं है। देखो कुशान, तुम पहले भी मेरी जिंदगी में बहुत जहर घोल चुके हो। मैंने बहुत मुश्किल से उन अतीत के पन्नों को अपनी जिंदगी से फाड़ा है। तुम वापिस उन्हें मेरी जिंदगी में जोड़ने की कोशिश मत करो। केतकी केतकी, तुम और तुम्हारी लैंग्वेज, ये पन्ने ये किताबें, ठीक है मैं तुम्हें तुम्हारी लैंग्वेज में ही समझाता। देखो केतकी, किताब के पन्ने फाड़ देने से या उसे मसल देने से शायद शायद उस पर लिखी हुई बातें मिट सकती है, लेकिन ये जिंदगी है। ट्राई टू अंडरस्टैंड केतकी, ये जिंदगी है और मैं तुम्हारे जिंदगी का कोई एक पन्ना नहीं हूं, पूरा अध्याय हूं, अध्याय जिसे ना तो तुम तब मिटा सकी और ना ही तुम अब मिटा सकती। देखो कुशान, मैं ये सब नहीं होने दूंगी। अच्छा? मैं ये सब विपुल को जाके बताऊंगी। यस, मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम ये सब विपुल को बताओ। उसे बताना चाहिए हमारे बारे में, पर शमा ने मुझे विपुल के बारे में बताया है कि बड़ा एक खसकीला इंसान है वो, छोटी सी बात का बतंगड़ बना देता है। उसे तो हमारे बारे में पता होना चाहिए। कम हम उसे बताते। कुशान, मुझे हाथ मत लगाओ। देखो कुशान, देखो तुम मेरे कमरे से चले जाओ। अगर तुम यहां से नहीं गई ना तो मैं यहां से जा रही हूं। केतकी, तुम मुझे पहले भी ऐसे ही अचानक छोड़ के चली गई थी। बहुत ही मुश्किल से मैंने तुम्हें दोबारा पाया है, किसी वादे के साथ कि मैं तुम्हें फिर कभी नहीं खोऊंगा, समझे? मेरा इंतजार करना। क्या देख रहे हो जय? मानसी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन हिम्मत ही नहीं हो रही। जय, अपनों से कुछ कहने के लिए हिम्मत की नहीं, विश्वास की जरूरत होती है। मुझे तुम्हारा तो पता नहीं, पर मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। जो कहना चाहते हो कह दो। मानसी, इस दुनिया में भले आदमी हो या औरत, सबकी एक हद होती है जिसको कभी पार नहीं करते।
लेकिन मैंने तो उस हद को अपनी जिंदगी में दो बार पार किया, और इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी आज तुम मेरे साथ हो, मेरे इतने करीब हो और मेरा इतना ख्याल रख रही हो। मानसी, ऑल थैंक्स टू यू। जय, ये देखो तुम्हारे लिए कुछ पार्सल आया है। किसने भेजा है? कुछ नाम तो नहीं लिखा है, सिर्फ कॉन्फिडेंशियल लिखा है, तो इसे तुम ही देख लो। बाकी अब कैसे लग रहा है? अच्छा हूँ भाभी। ठीक है। मानसी से खोल कर देखो। जय, ये तुम्हारा है, कॉन्फिडेंशियल लिखा हुआ है, मैं कैसे खोल सकती हूँ? अरे भाई, इतने वक्त हम दोनों एक दूसरे के साथ, कोई बात छुपी है कि हम दोनों के बीच? नो, देखो। मानसी, कहाँ जा रही? मुझे कुछ काम है। हाय। हाँ, मैं। पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? समाज सेवा, साथ साथ आपकी सेवा। मतलब ये कि मैं आपको वही बताना चाह रहा था कि एक मिनट, मैं सब समझती हूँ और तुम जैसे लड़कों को तो मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। ओ, बताइए मेरा नाम क्या है? मुझे क्या पता, अभी तो आपने कहा कि आप मुझे जानती हैं। अरे, मेरे कहने का मतलब ये है क्या कि है? मेरे पास इन फालतू बातों के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है। अब जाइए यहाँ से, जाइए ना। डायरी? ये तो मेरी डायरी है। अरे वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप मुझे एसटीडी बूथ पे मिली थी और आप अपनी डायरी वहाँ पे भूल गई थी, वही मैं। अरे कितना बोलते हो तुम, अब डायरी दे दी ना, अब जाओ। अरे तमीज नाम की कोई चीज नहीं है क्या आपके अंदर, किसे भी आप किसी एसटीडी बूथ पे भूल आई है? एक ग्लास पानी तो पूछिए। नमक का पानी? हाँ, वैसे मेरा नाम यश है। नाम सुना है? देखो पानी आ रहा है, पानी पियो, यहाँ से दफा हो, और आइंदा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। और वैसे भी मैं तुम जैसे लड़कों को पहले तो घर में घुसते, फिर दोस्ती करने की कोशिश करते, और फिर गेट लॉस्ट, गो। किधर आती हो? किधर आती हो? हाँ, किधर आती हो? ये पागल है क्या? Yeah.
और तुम वो बोतल वहीं छोड़ आई। मानसी तुम्हें पता है ना कि आज तुम्हारी और जय की जिंदगी में जो भी तूफान आया है उसका कारण सिर्फ शराब है। विपुल तुम एक बार ठंडे दिमाग से उसकी बात तो सुनो और प्लीज हो सके तो धीरे बात करो, अगर कोई और सुन लेगा तो। देखो मानसी तुम्हें पता है ना कि शराब पीने के बाद जय को टोटल ब्लैकआउट हो जाता है, अगर ऐसी हालत में उसने कोई उल्टी सीधी हरकत कर ली तो। विपुल भैया मैं यही तो देखना चाहती हूँ कि जय शराब पियेंगे या मुझे दिया वचन निभाएंगे, यही सही वक्त है जय के विल पावर को टेस्ट करने का। और अगर इस बार जय ने मेरा विश्वास तोड़ दिया तो वो मुझे हमेशा हमेशा के लिए खो देगा। मानसी माना तुम जय के विश्वास को परखना चाहती हो, और चलो ये भी मान लिया कि जय ने शराब नहीं पी, फिर मेरा विश्वास जीत जाएगा दीदी। क्या यही बात तुम अपनी अंदर की औरत को समझा पाओगी कि तुम्हारी इस एक परस से जय जिंदगी भर शराब नहीं पिएगा? दीदी अगर जय ने आज शराब नहीं पी तो मैं हमारी जिंदगी में ऐसा वक्त आने ही नहीं दूंगी जहां जय को शराब पीने की जरूरत पड़े। मैं चलती हूँ दीदी। मानसी, I'm sorry. किस बात के लिए? तुम्हारी बात बिना समझे मैंने तुमसे ऊंची आवाज में बात की। पर मैं आपको इतनी आसानी से माफ नहीं करने वाली हूँ, इसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। क्या? मुर्गा बनना पड़ेगा। बकतमीज कहीं का। रिया क्या हुआ? कहीं मिला ना तो मुंह नोच लूंगी मैं उसका। अरे तू किसकी बात कर रही है? यश की। यश? ये यश कौन है? अरे माँ उससे मेरी मुलाकात उस दिन हुई जिस दिन मानसी दीदी को फोन करने के लिए मैं टेलीफोन बूथ गई थी। मेरी तो किस्मत ही खराब है कि मैं अपनी डायरी वहाँ भूल आई। फिर क्या, उसे तो जैसे घर आने का लाइसेंस मिल गया हो। इसका मतलब वो घर आ चुका है? हाँ माँ उसने तो मेरा जीना हराम कर दिया है। अरे बेटा तो तेरे पापा को ये बताना चाहिए। कैसी बातें कर रही हो माँ, पापा की तबीयत अभी अभी तो ठीक हुई है, उन्हें कोई टेंशन मत दीजिए। एंड यू डोंट वरी, मैं खुद ही टैकल कर लूंगी। लेकिन बेटा आपको मुझ पर भरोसा है ना? उसे मैं उसकी नानी याद नहीं दिलाई ना तो मेरा नाम भी प्रिया नहीं। ये सब तुम क्यों कर रही हो? माँ मैं तुम्हारे सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं समझता। बस काजल बस, बहुत हो गया। कितने दिनों से मैं देख रही हूं तुम जय के सामने ऐसे हालत पैदा कर रही हो जिससे उसकी खुशियां उससे दूर चली जाए। क्यों? तो तुम जय को दोषी नहीं मानती कि जिसने दीदी के सामने ऐसे हालत पैदा कर दिए कि वो हमसे दूर हो गई? बेटी तो क्या ये सब करने से हमारी जोई हमारे पास वापस चली आएगी? नहीं, जिसे जाना था वो तो चली गई, जिसके नसीब में जो लिखा होता है वही होकर रहता है। जो ही दीदी की मौत को तुम या पापा किस्मत का लिखा मानने को तैयार होगे, लेकिन मैं नहीं। मैं दीदी की मौत का जिम्मेदार सिर्फ जय को मानती हूँ, और मैं जय को जिंदगी का एक भी पल चैन से जीने नहीं दूंगी। बेटी समझने की कोशिश करो, जो ही जय से नफरत नहीं
बल्कि बेहद प्यार करती थी। यही तो बात है ना माँ, जय इस बात से अच्छी तरह वाकिफ था, लेकिन फिर भी उसने दीदी को नहीं अपनाया और दीदी ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाई। और खैर माँ, मैंने अपने आप से एक वादा किया है कि मैं जय की सारी खुशियां एक एक करके उसे दूर करूंगी और मैं अपनी मंजिल के बहुत करीब आ गई हूं। मैंने तो अपना आखिरी दांव भी चल दिया है। Now just wait and see, जय का क्या होता है। अरे मानसी तुम आ गई। भाभी मुझे बता रही थी कि तुम केतकी भाभी के आ गई हो शॉपिंग के बाद। क्या बात है? थैंक यू जय। लेकिन किस बात के लिए? तुमने मेरे विश्वास को टूटने नहीं दिया। मतलब मैं कुछ समझा नहीं जय। मैं जानबूझकर तुम्हें शराब की बोतल के साथ अकेला छोड़कर गई थी ये देखने के लिए कि हमने जो एक साथ एक नई जिंदगी शुरू करने का वादा किया था उसमें कितनी सच्चाई है। तो तुम किस नतीजे पे पहुंचे? यही कि इस बार मैं तुम पर विश्वास करके गलती नहीं की। मानसी मैं तुम्हारे विश्वास को कभी टूटने नहीं दूंगा।